नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। एमपी की पवार पॉलिटिक्स के महाराज हैं, सिंधिया मंत्री छूते हैं पैर, शिवराज ने भी माना ज्योतिरादित्य की वजह से बने सीएम। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मदुरै एयरपोर्ट में यात्री पर हमले का आरोप। आतंकवाद को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। अनुराग ठाकुर का बीबीसी पर निशाना, कहा बीबीसी दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत काम कर रही है। निवेश को लेकर सीएम योगी का बयान, बोले आप यूपी में निवेश कीजिए, आपके पैसे और आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की। आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद ने भाजपा पर कसा तंज, कहा 2024 में बीजेपी की विदाई का समय आ गया, बुलडोजर नीति नहीं है कानून। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री दिनेश प्रताप का पलटवार, बोले सपा सरकार में सड़कों पर सड़ा था आलू। प्रयागराज में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा जो खतरा बने उसे टारगेट करना भाजपा का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। सपा मुखिया और मायावती पर बरसे ओम प्रकाश राज पर, बोले अतीक पर कार्रवाई तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों। सरकार की आलोचना पर बीबीसी ने शो प्रेजेंटर को हटाया, ब्रिटिश माइग्रेशन पॉलिसी को हिटलर जैसा कहा था एंकर्स का काम से इनकार। ईरान में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, इनसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इन पर फीमेल स्टूडेंट्स को जहर देने का आरोप। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, रमजान के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, कहा दावतों के लिए चंदा नहीं मांगे। रूस से सुखोई फाइटर जेट खरीदेगा ईरान, ईरानी डिप्लोमेट ने SU-35 डील की दी जानकारी। उत्तर कोरिया ने फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, दावा एक पनडुब्बी से किया परीक्षण। WPL में मुंबई की लगातार चौथी जीत, यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया हरमन की 50, शाक ने छटके 3 विकेट। WPL में मैथ्यूज के LBW पर विवाद, रिव्यू में गलत रिप्लाई दिया, थर्ड अंपायर ने आउट दिया, फिर सही विकल्प देकर निर्णय बदला। कोहली की 186 रनों की मैराथन पारी, पत्नी अनुष्का ने किया खुलासा, चौथे टेस्ट में बीमार होने के बाद भी खेले विराट। कोहली ने सचिन से तेज 75वीं सेंचुरी लगाई, 16वीं बार 150 प्लस का स्कोर भारत में सबसे ज्यादा औसत। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को बांग्लादेश ने किया हैरान, लगातार 2 मैचों में हराकर जीत ली T20 सीरीज। ऑस्कर 2023 में RRR ने रचा इतिहास, नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। डायरिंग फ्रेंड विशेष स्पेयर्स ने जीता ऑस्कर, गुनीत मोगा की डॉक्यूमेंट्री ने बजाया भारत का डंका। नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर AR रहमान का बड़ा बयान, बोले दुनिया भर में ऊंचा होगा भारत का नाम। मलाइका अरोड़ा ने किया जबरदस्त रैंप वॉक, ऑरेंज आउटफिट में लगी गॉर्जियस, फैंस बोले कौन कहेगा कि ये 49 साल की है।
तलाक के बाद पहली बार पूर्व पति संग दिखी करिश्मा, बेटे कियान के बर्थडे पर संजय कपूर और बच्चों के साथ किया लंच। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।